विश्व प्रसिद्ध शक्तिपीठ ज्वालामुखी में श्रावण अष्टमी नवरात्र मेले 1 अगस्त से 10 अगस्त तक आयोजित किए जाएंगे। यह जानकारी देते हुए सहायक आयुक्त मंदिर एवं एसडीएम ज्वालामुखी अंकुश शर्मा ने बताया कि मेले की तैयारियों को लेकर आज मंदिर न्यास के बैठक कक्ष में बैठक की आयोजित की गई, जिसमें ज्वालामुखी विधानसभा क्षेत्र के विधायक एवं राज्य योजना बोर्ड के उपाध्यक्ष रमेश धवाला विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने मेलों के दौरान साफ सफाई की बेहतर व्यवस्था एवं स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता सुनिश्चित बनाने तथा मेलों के दौरान सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर अस्थायी शौचालयों की सुविधा उपलब्ध करवाने के संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को पेयजल स्रोतों की साफ सफाई सुनिश्चित बनाने तथा सभी स्रोतों को क्लोरिफिकेशन के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस स्वास्थ्य, लोक निर्माण, सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य, गृह शिक्षा, परिवहन, विद्युत इत्यादि संबंधित विभाग पर्यटकों एवं श्रद्धालुओं को हर संभव सहायता एवं सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए तत्पर रहे। उन्होंने कहा कि मंदिर रोड पर ढोल नगाड़े पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। जो तैयारियों के बारे में आज मीटिंग हुई मंदिर न्यास में, उसके बारे में किस तरह से व्यवस्थाएं रहेंगी? श्रावण मेले की तैयारियों के लिए आज सभी ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के साथ मीटिंग हुई। इनफैक्ट इस मीटिंग में स्थानीय विधायक महोदय भी विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। तो सारी तैयारियों के बारे में डिटेल में चर्चा करी गई और सभी ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स उन सब का यही एक मत था कि जो पब्लिक इंटरेस्ट में लोगों को बेहतर से बेहतर सुविधाएँ जो इस मेले के इन मेलों के दौरान दी जाएँ। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम सारे ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है वो एक टीम की तरह काम करेंगे और श्रावण मेलों के दौरान हम जो भी यात्री यहाँ पे आएंगे, जो भी श्रद्धालु यहाँ पे आएंगे, हम उनको बहुत अच्छी एक बेहतर व्यवस्था दे पाएंगे। सर, इस बार क्या सफाई व्यवस्था के लिए कोई विशेष अतिरिक्त कर्मचारी लगाएंगे? सफाई व्यवस्था बेसिकली जो कमेटी है, नगर परिषद है, उसको इसका दायित्व दिया गया है, लेकिन फिर भी प्रशासन जो है इसके ऊपर अपनी देख रेख रखेगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम कुछ एक लोगों को जो है वो